लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। अब कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होने जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के पिछले ढाई साल के कार्यकाल पर नजर डाले तो यकीनन यह चुनाव संग्राम कम और महाभारत ज्यादा लग रहा है, जहां कुर्सी की होड़ में अपने ही अपनों से लड़ेंगे। कहा जा सकता है कि शिवसेना के जन्म के बीज मार्मिक साप्ताहिक में निहित थे। साप्ताहिक मार्मिक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसके प्रथम अंक का लोकार्पण मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ने किया। मराठी व्यक्ति की समस्याएं और व्यवस्था से उसके बहिष्कार को लगातार मार्मिकता के माध्यम से उजागर किया गया। वही शिवसेना का पहला दशहरा सम्मेलन 30 अक्टूबर 1967 को आयोजित किया गया, जहाँ शिवाजी पार्क में सभा को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उस वक्त बाला साहेब ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे ने कहा कि मैंने आज मेरा बच्चा तुम्हें दे दिया, जिसके बाद की शिवसेना ने 1967 में ठाणे नगर निगम चुनाव के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार भी किया। अगले ही वर्ष उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और मुंबई नगर निगम में प्रवेश किया। इसके बाद हर जगह शिवसेना की शाखाएं दिखाई देने लगी। शुरुआती दौर में कई चुनाव में शिवसेना की कांग्रेस से दोस्ती रही। 1980 में कांग्रेस की सहायता से शिवसेना को विधान परिषद में 2 सीटें मिली। 1984 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन पुलौद में बीजेपी का हिस्सा लेने के बाद ये गठबंधन टूट गया। तब बाला साहब ठाकरे ने जवाब दिया कि कमला भाई हमें छोड़कर चली गई। 1989 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन फिर 25 साल तक चला। 2014 में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा, इसके बाद वे फिर एक हो गए। 2019 में चुनाव के बाद शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। दर्शकों, गौरतलब है कि देश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन काफी लोकप्रिय था, लेकिन बाला साहब ठाकरे के देहांत के बाद 2019 में उद्धव ठाकरे ने भाजपा का हाथ छोड़ दिया और फिर 28 नवंबर 2019 को राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, किंतु यह सरकार 1.5 साल ही चल पाई, जिसके बाद विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायक भाजपा के साथ मिल गए, जहां से शुरू हुआ असल महाभारत। ध्यान हो कि उन दिनों राज्य में कई दिनों से राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी। शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक पहले ही मुंबई से सूरत गए और वहां फिर उन्हें गुवाहाटी भेज दिया गया। ये सभी विधायक उद्धव ठाकरे सरकार का विरोध कर रहे थे। इनकी मांग थी कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर हो। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने उन विधायकों को मुंबई लौटने का न्योता देते हुए कहा कि अगर आप मुंबई वापस आ जाते हैं तो वो इस गठबंधन के बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी विधायक मुंबई नहीं लौटे। वही दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हर बीतते दिन के साथ अपने विधायकों की संख्या बढ़ने का दावा करते रहे। हालात को संभालते ना देख आखिरकार उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद से ही बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों के बीच राज्य में नई सरकार बनाने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे मुंबई लौटे और पहले देवेंद्र फडणवीस के घर गए, वहां से सीधे राज्यपाल के पास गए और दोनों ने मिलकर राज्य में एक स्थिर सरकार बनाने का दावा किया और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तो वही देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जिसके कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी अलगाव की खबर सामने आई, जहां 43 विधायक लेकर अजित पवार सेना भाजपा सरकार में शामिल हुए और उन्होंने 2 जुलाई 2023 को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। दर्शकों, ये पूरे 5 साल का हाल हवाल था, लेकिन जब इस पूरी वर्तमान सियासत का विश्लेषण किया जाए तो यह किसी महाभारत से कम नहीं, जहां चाचा बनाम भतीजा और एक ही विचारधारा पर दो दलों का दावा दिख रहा है।
सीधे तौर पर कहा जाए तो महाराष्ट्र के इस रण संग्राम का असर मात्र राज्य विधानसभा में ही नहीं तो लोकसभा चुनाव में भी काफी हद तक पड़ेगा, क्योंकि शिंदे गुट के अलगाव के बाद न सिर्फ शिवसेना कमजोर हुई तो महाविकास आघाड़ी की घटक शक्ति भी काफी हद तक कम हो चुकी है। इतना ही नहीं तो राष्ट्रवादी के दो गुट बनने के बाद नवनिर्मित विपक्ष गठबंधन इंडिया को भी काफी बड़ा झटका पहुंचा है। जहां सियासी नुमाइंदे और विश्लेषकों की माने तो इंडिया का बल इस तख्ता पलट के बाद काफी हद तक कम हो चुका है। उसी बीच कांग्रेस से अशोक चव्हाण एवं मिलिंद देवड़ा, साथ ही साथ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज रह चुके बाबा सिद्दगी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, जिसे पूरी तरह इंडिया आघाड़ी के बल में कमी होती दिखाई दे रही है। कई बार सारथी बनकर शरद पवार ने इस महाभारत को संभालने की कोशिश तो की, किंतु भाजपा के चौसर में अपनी गोटी बचाने में असमर्थ रहे और राज्य की सियासत में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला भतीजा खो बैठे। जहां एक और भाई दूज की दुहाई देती सांसद सुप्रिया सुले को अपनी भाभी सुनीत्रा पवार के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा, ऐसा सूत्र प्रतीत कर रहे हैं। इस रण संग्राम में एक और दिन ब दिन इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अस्थिरता दिखाई दे रही है। वही सूत्र कई दिग्गजों को भाजपा की राह पर चलने की खबर से पुनः झंझोड़ देते हैं, जिसके चलते सियासत के इस त्राहिमाम में विपक्ष से विरोधी दल से लड़ना कम किंतु खुद का खेमा बचाने में टिका हुआ है। जहां सीधे तौर पर शरद गुट और उद्धव गुट को पहले ही अज्ञातवास हो चुका है, जिससे यह कहना अन्य नहीं होगा कि यह रण संग्राम कम महाभारत ज्यादा है। जहां यह देखना रोचक रहेगा कि आखिर यह स्थिति लोकसभा चुनाव में क्या रूप लेती है।